आत्या की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, नज़र लग गई है, मैं बोल रही हूँ, मम्मी भी यही बोल रही है, नज़र लग गई है। उनको चिकन पॉक्स है। फिलहाल तुम दादी के पास आत्या को छोड़ के जा रहे हैं। आत्या की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मम्मी का कहना है उसको नज़र लगी है, और अभी हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं आधी रात को। हाँ मम्मा, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, कुछ हो नहीं पा रहा है, रोए जा रहे बेटू, मुँह देखो कितना, बेटू को कैसा हो गया, चले क्या हो गया बेटू, क्या हो गया मेरे बेटू को। मैंने अभी मम्मी पापा को उठाया है कि चलना पड़ेगा बेटू को लेके हॉस्पिटल, सो ही नहीं रहा छोटू सा, तो पारा बेटू है ये तो, इतना गुड बेटू है, क्या हो गया छोटू से बेबी को, कौन है नानू को देखिए हंस रहा है, हाँ बीमारी में भी पापा जी। भैया ये दरवाजा खोल दीजिए ना, बाहर का गेट का लॉक खोल दीजिए ना, सब लॉक्ड है, आधी रात हो रही है। ठीक रहना बेबी, कहे बेबू तो बीमार मत हो ना, तू हैप्पी अच्छा लगता है, तू ऐसे अच्छा ही नहीं लगता सैड, सब क्या बोलेंगे, तू स्माइल कर दे, तू बात कर ले अपने फैन से, हाँ हर बार कुछ बोलता है बोल दे, नहीं बात करेगा, हाँ अरे बोला मेरा बेटू, तू बोला, तू बोला नीचे आके कुछ बोला तू, हाँ बेटू, आहा पता है ब्लॉग ऑन करते ही इसके अंदर थोड़ी एनर्जी आ गई, अभी तो कितना रो रहा था ये कुकुर। हाँ नानी पास जाना है, चलो तो नानी तो बहुत खुश, नानी का तो जिंदगी सफल हो गई। हाँ मेरा बेटा, अभी हम लोग जा रहे हैं इस्पात हॉस्पिटल, ये यहाँ का मैकॉन वालों का अपना इन हाउस हॉस्पिटल है, यहीं मैं पैदा हुई थी, मैं आपको ऐसे तो नहीं दिखाना चाहती थी, पर चलो इसी बहाने मैं आपको वहाँ ले जाऊँगी जहाँ मेरा जन्म हुआ है। अच्छा खासा सब चल रहा था यार, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, नज़र लग गई है, मैं बोल रही हूँ, मम्मी भी यही बोल रही है, नज़र लग गई है। प्लीज़ आप लोग के पास कुछ नुस्खे हैं नज़र उतारने के तो मुझे ज़रूर बताना, मेरी मम्मी ने तो कुछ चप्पल घुमा के मारा है पर मुझे लगता नहीं उससे कुछ हुआ। आ रही हूँ, आ जाओ आ जाओ, चल। हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला कि हमारे नीचे वाले जो मम्मी के आउट हाउस में सर्वेंट्स हैं उनको चिकन पॉक्स है, अभी 10-15 मिनट पहले ही पता चला है, यहाँ पे मैं वैसे पैदा हुई थी। इस्पात हॉस्पिटल की स्मेल, सोफे पे तो इस स्मेल के साथ ही मैं पैदा हुई थी। कहाँ है तू? हाँ बेटू कहाँ गया, ये कैसी जगह है, ये कैसी जगह है कोको, यहाँ डॉक्टर अंकल बैठते, डॉक्टर अंकल अभी वो आद्या को जल्दी से देखेंगे और बोलेंगे आद्या इज फाइन। ये तो हॉस्पिटल आके ठीक हो गया क्या, आगे स्मेल से ठीक हो गया, ये गाना गुना गा रहा, अभी तो कितना रो रहा था, टेंशन में डाल दिया था तूने मुझे, टेंशन में रोए जा रही है, रोए जा रही है। नहीं अभी तक तो नहीं था, बट आज शाम से हम लोग को लग रहा है कि इसको प्रॉब्लम है, पक्का ना इसको वो है चिकन पॉक्स जैसा कुछ तो नहीं है ना। डॉक्टर अंकल क्या करेंगे बेटू को, बूबू करेंगे क्या है, क्या है कि बू, पहले घर चलते हैं, अभी घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, इसको सीधे अभी वहाँ पे चलो। हाँ अभी हम लोग आत्या को होटल लेके जा रहे हैं, वैसे दादी के पास तो रह लेगी, इसको आदत है उनके पास सोने की। माँ 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 आत्या लेनी पड़ेगी, इस बहुत तबीयत खराब है, इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, हमने हर देसी इलाज कर लिया, सब कर लिया, और हमारे घर के नीचे वाले मेट को चिकन पॉक्स हो गया, मेट के बच्चों को, मुझे को दादी ने उठा लिया, बोलती हो ले रही हूँ, तो हम इसको घर लेके नहीं जाना चाहते। तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, बहुत कट कट के क्लिप्स आई, हम लोग ठीक से शूट भी नहीं कर पाए,
आद्या को हमने अभी होटल भेज दिया है। अच्छा, ये पापा का डिसीजन है कि होटल में रहना चाहिए, अभी उसको घर नहीं आना चाहिए। हाय गाइस, सो लास्ट ब्लॉग के बाद हम कुछ शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि आद्या की तबीयत खराब थी, तो हम लोग सब उसमें बिजी हो गए थे। आद्या एकदम चंगी है आप लोगों के ब्लेसिंग्स के कारण, फिट एंड फाइन। ये मेरे पापा, साधु पापा कहाँ चले? नहा आने। तो हम आपको बताते हैं, हम आए हुए राजगीर। राजगीर में है हॉट स्प्रिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गर्म कुंड। पापा हिंदी में क्या बोलेंगे? गर्म कुंड। गर्म कुंड, तो नेचुरली हॉट पानी निकलता है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें बहुत सारी मेडिकेटेड वैल्यू होती है। तो मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि आद्या को ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे उसका मेडिकेशन और हो जाए। ओए ओए टकलू, ओए चपड़ गंजू, नाई 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 आशी बोबो की नाई नाई नाई। गरम लगा इसको, गरम नहीं लेके जा रहे क्योंकि उसको गरम लग रहा है और टॉर्चर करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग ही मेरे साथ इसके लिए एग्री करोगे, थोड़ी बड़ी होगी तो फिर आ जाएंगे यहाँ पे। क्यों आद्या, ये तो अपने ही वो कितनी नोज से निकल गई, देखो मेडिकेटेड वाटर है इसका। बस बस आज तो आपने देखा आद्या तो कैसे सब कुछ क्लीन हो रहा है, बहुत अच्छा है। आई विश वो और रहती और ये मेरे शरीर की गंदगी, बहुत गंदगी निकल रही है, सब टैनिंग निकल गई भाई। कोई स्पा आज इस तरह भैया टाइमिंग निकाल दी है, समझ रहे कितने लोग यहाँ पे चिंतित। वो सब ऐसा बोल रहे हैं कि मैं घुसूंगी तो पानी बाहर निकल जाएगा। नहीं, बेसिकली हम लोग यहाँ है हुंडरू फॉल, ये रांची का बहुत फेमस वाटरफॉल है और पापा यहाँ से और फॉल नहीं हो पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग होके आओ। 750 सीढ़ी हैं। इतना तो माता रानी के पास भी नहीं पापा चढ़ने का। उसे पैरों में दर्द हो जाएगा, पूरा टूर खराब हो जाएगा। और मैं ना आप लोगों को क्यों लाई हूँ यहाँ पे, मेरे को आद्या का रिएक्शन कैप्चर करना है जब वो फर्स्ट टाइम वाटरफॉल देखेगी। चिल्लाएगी, रोएगी, उसके ऊपर कूदेगी, नहाएगी, क्या करेगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। चलो चलो चला जाए। हाँ हाँ, इसको तो मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ से नीचे उतरने में ना हमारी वाट लगने वाली है। ये लो, हम बेबी पास करते करते जाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आ रही है, डैम खुल गया है और हम लोग बस 5 मिनट के लिए जाएंगे। हम लोग लाइफ रिस्क नहीं ले सकते। अरे मेरा माइक, शिट मेरा माइक गया गाइस, मेरा माइक गया। ओ फक, टूट गया यार माइक। इट्स अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 30,000। ईशान प्लीज़ देखना, मैं तो यहाँ कूद भी नहीं सकती हूँ, बहुत डीप है ये। ये यहाँ की स्पेशल बोट है, कितनी क्यूट बोट है मैन। अच्छा आजू, अच्छा कितना 30-35 फीट है नीचे, 30-35 फीट नीचे है ये, बहुत डीप है, 30-35 फीट। हम 5 फीट के होते। आजू पानी में पैर डाले डाले डाले, ये छप 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 छप, ये चप 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 चप। हाँ हाँ, अजय ऊपर देखो, ऊपर वो देखो, अजय वो देखो, वो ऊपर देखो, ऊपर। हाँ कितनी ऊपर से पानी आ रहा है अजू, अजू कहाँ से पानी आ रहा है। हम लोग को यहाँ से भागना पड़ा क्योंकि ये डैम खुल चुका है और पानी धीरे धीरे, हमने एक बूंद पानी देखा था अभी हम जब वहाँ पे बैठे थे, देखो हम लोग पूरे गीले हो गए और हम लोग को डर लगा। इन्होंने बोला कि पूरा पानी से भर जाएगा थोड़ी देर में। मैं और मामा भागी, मोमो उससे पहले भागे, हम लोग तीनों फुदके मारते बोले चलो चलो वापस चलो। तू बात कर ले, तू तू ब्लॉग ले, मेरे को मत बोलने दे। ले लो लो, ले लिया खत्म। क्या तेरा फोन। सो हम लोग गिर गए वहाँ पे, बहुत गंदा स्लिप किए, देखो आपको दिख सकता होगा। ईशान का शायद फिंगर फ्रैक्चर हो गया है ये वाला, और मैं इसके ऊपर मोटी भैंस गिर गई। इसने मुझे संभाला नहीं तो ये फ्रैक्चर मेरा होता। शिट मैन, अभी ऊपर कैसे चढ़े, ये प्रॉब्लम है। डैम खुल चुका है और हम लोग ऊपर भागना भी है। हाँ, ये पिज्ज़ा वाला जो पेट है ना, 20 सीढ़ी भी हालत हो गई है। 750 सीढ़ियाँ चढ़नी है भाई, इन्वायरमेंट देखने के लिए
लिटरली मेहनत करनी पड़ी, हार्ड वर्क बिहाइंड सीइंग ब्यूटी। कितना आ गए? 700 में 120 आए। ए, मुझे लगा हम लोग 400-500 चढ़ चुके हैं। घूम घूम के जाता है ना। चलो भाई चलो चलो अबू टाइम्स, चलो अबू टाइम्स, चलो। अरे प्लीज यार, चल रहे चल। तुम्हें पता है सिर्फ 200 कितना है? बचा हुआ है, कुछ बचा है। कितना? आधा से अधिक चढ़ गए हैं। 400 बचा है? नहीं, 400 नहीं, 300, 150 के आसपास बचा है। मुझे अवार्ड मिलना चाहिए ये ऊपर चढ़ने के लिए। लास्ट के 50 सीढ़ी बाकी बचे। मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। वो देखो, वो पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये नीचे दिखा, यहाँ से वहाँ तक गए हम लोग। वो नहीं है, उससे नीचे, भी नीचे नीचे। हाँ ये नीचे वाला। हाँ ये भाई 750 सीढ़ी है। अच्छा भाई, अपन झूठ नहीं बोल रहे थे, जो मिस्त्री ने सीढ़ी बनाए वो लेकर 745 है। 800 सीढ़ी गिना जाएगा इसको, और सीढ़ी के बाद भी उतरना चढ़ना था तो मैं 1000 का बोलूँगी। तो आज मैं घर से जा रही हूँ, मम्मी पापा के घर से, और बाकी का व्लॉग आपको नेक्स्ट थर्सडे मिलेगा। बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम सब ने सोचा है कि मम्मी के, मेरी सासू माँ के साथ प्रैंक करेंगे, बट बहुत दुख लग रहा है यार।